पौड़ी में वन विभाग द्वारा निसनी वन पंचायत में अपने सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए लगाए जा रहे वॉच टावर का ग्रामीणों ने विरोध किया है, जहां पर ग्रामीणों गांव से वर्ष भर घड़ियाल मंदिर के प्रांगण में बैठक की। कहना है कि वन विभाग द्वारा घड़ियाल मंदिर के पास एक वॉच टावर वन विभाग द्वारा लगाया जा रहा है, जिससे वन पंचायत की भूमि को क्षति तो पहुंच रही है। साथ ही वॉच टावर लगाए जाने से पहले वॉच टावर की आड़ में कुछ बांज के वृक्ष भी काट दिए हैं, जिस पर अब ग्रामीणों ने ऐतराज जताते हुए ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और वॉच टावर का काम भी रुकवाने का फैसला किया है। ग्रामीणों ने वन पंचायत की बैठक में एक शिकायती पत्र डीएम को भेजकर मांग की है कि इस कार्य को तत्काल प्रभाव से रुकवा दें। ऐसा था कि पहले जो है वन विभाग द्वारा एक प्रस्ताव आया था कि हमें जो है भूमि की आवश्यकता है। वो प्रस्ताव मैंने ग्राम सभा में वन पंचायत की बैठक बुलाई थी, उसमें कुछ व्यक्ति आए थे, 45-46 व्यक्ति आए थे, लेकिन वो प्रस्ताव मैंने विभाग को दिया था। उसके अलावा ना विभाग को मैंने पर्सनल कोई लेटर दे रखा है, न विभाग को मैंने ये बता रखा कि आपने ये भूमि पर काम करना है या आपने यहाँ पर काम करना है। इसके अलावा अगर मैं तो अपनी ग्राम सभा के साथ जाऊंगा जहां मेरी ग्राम सभा इच्छुक होगी। मेरी ग्राम सभा की सहमति ये है कि हमारा मंदिर परिसर में ये वॉच टावर ना बने। और मैं ग्राम घंडाल परिसर में जो आज ये वॉच टावर बन रहा था, सारे ये ग्रामवासी हमारे ये एकत्रित हुए हैं यहाँ पे और एक सहमति बनी है कि भविष्य में अगर ये अगर यहाँ पे दोबारा वॉच टावर बनाने का ये होता है इनका, तो हम दोबारा डीएम के माध्यम से, एसडीएम साहब के माध्यम से, और यहाँ पे ये बहुत जन आक्रोश होगा हमारी तरफ से, पूरे ग्रामवासियों की तरफ से। यहाँ पे ये कार्य बिल्कुल नहीं, हम स्वीकार्य नहीं है हमारे मंदिर परिसर में। मंदिर परिसर ही क्या, हम पूरी वन भूमि जो हमारे ग्राम सभा निसनी की है, इस वन भूमि में हम कहीं भी कोई भी निर्माण कार्य बिल्कुल नहीं करने देंगे।